हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ये जो पूरा सामने का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके बारे में। एंड ये जो वीडियो के पार्ट्स आने वाले हैं, तीन पार्ट्स में आने वाले हैं। सबसे पहला जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड है वहाँ पे, फिर दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वाइपर फंक्शंस, एंड तीसरे पार्ट वीडियो में मैं बताऊंगा हेडलाइट फंक्शन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और सबसे पहले मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ ताकि सारे सिंबल्स आपके पास सबसे पहले आ जाए। ये मेरे पास सारे सिंबल्स, और अब आपको अगर दिख रहा होगा वो कोने में गाड़ी और चाबी वाला सिंबल, तो वो जो है आपका आई मोबिलाइजर इंडिकेटर है। वो तब एक्टिवेट होता है जब आपकी गाड़ी का एंटी थेफ्ट सिस्टम आपकी चाबी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैसे कि अगर कोई और चाबी लगाने की कोशिश कर रहा है, या आपकी जो चाबी है उसमें बैटरी कम है। नीचे ये जो दे रखा है ये है आपका मैल फंक्शन इन योर इंजन। तो जब भी आपका कोई मैल फंक्शन हो जाएगा कार में या इंजन में, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके नीचे है बैटरी इंडिकेटर, बताएगा कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज की नीड है उसको, वो लो है इसलिए उसको चार्ज कर लो या चेंज कर लो, डिपेंड्स की बैटरी को क्या हुआ है। और ये है आपका इंजन ऑयल प्रेशर इंडिकेटर। जब आपके इंजन ऑयल का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम है तो वो इंडिकेट कर देगा। और फिर हम इसके बाद आते हैं, मैं सारे सिंबल्स बता देता हूँ जो भी इंडिकेट करते हैं। ये जो है आपका हैंड ब्रेक का सिंबल है। जैसे कि अभी मैं अगर हैंड ब्रेक हटा दूंगा तो ये ऑन हो जाए, ये ऑफ हो जाएगा, और मैं लगाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। एंड ये कोने में जो है ये आपका सीट बेल्ट इंडिकेटर है, जो कि अभी मैंने नहीं लगाई हुई तो ऑन है। इसके अलावा भी यहाँ पे सिंबल आते हैं, मैं फटाफट दिखा देता हूँ, क्योंकि वो गाड़ी जब ऑन होती है तो आते हैं लेकिन चले जाते हैं। वो जो सबसे ऊपर वाला सिंबल है वो एयरबैग इंडिकेटर है। उसके नीचे ये जो है, ये जो था ये पावर स्टीयरिंग व्हील इंडिकेटर था। तो ये तो हो गए सिंबल से रिलेटेड चीजें जो कि मैंने आपको सब बता दी हैं। ये मैं बता दूं, ये है स्पीड इंडिकेटर, वो है टैकोमीटर जो आपका आरपीएम इंडिकेटर है वो बताता है, तो वो इंटू 1000 आरपीएम लिखा हुआ है वहाँ पे। बीच में जो है ये आपका इंजन जो है कितना ठंडा हो रखा है या कितना गर्म हो जाएगा ये इंडिकेट करेगा। ये है आपका फ्यूल इंडिकेटर इस तरफ, बीच में स्पीड दे रखी है ये आपकी, ये मैं आपको बताता हूँ ये बीच में ये जो क्या दिया ये क्या है। और ये नीचे जो बाहर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, ये मेरे इतने किलोमीटर अभी तक गाड़ी चल चुकी है ये वो है। लेकिन मैं पहले आपको बता दूँ, ये स्टेयरिंग व्हील बटन्स दिए हुए हैं इसमें क्या है देखो। सबसे पहले तो ये म्यूट बटन है, अगर आपका फोन गाड़ी से कनेक्टेड है और आपको कोई कॉल आ रहा है तो आप म्यूट कर सकते हो। ये वॉल्यूम अप करने के लिए और लो करने के लिए है। ये है आपका फोन उठाने के लिए, इसको 3 सेकंड्स तक प्रेस रखोगे तो आपका गूगल असिस्टेंट वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये कॉल काटने के लिए है। बीच में हॉर्न है। ये मोड है, जैसे आपको अगर ब्लूटूथ मोड में जाना है या आपको अगर पेन ड्राइव मोड में या रेडियो मोड में जाना है तो मोड चेंज करने के लिए, बेसिकली ये गाना चेंज करने के लिए और रेडियो चैनल्स चेंज करने के लिए। बीच में ये जो है, अब मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए है। जैसे मैं वो आपको बता रहा था, ये बीच में जो है आपको एवरेज दे रखा है किलोमीटर पर लीटर। एवरेज का कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो है एक तो किलोमीटर पर लीटर दे रखा है, और ये जो है फ्यूल जैसे गैस स्टेशन का साइन बना हुआ है तो ये ऐसे बताएगा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये नेक्स्ट जो है, ये जो है आपका बताता है कि 1 लीटर में आपकी गाड़ी जो है कितना किलोमीटर चली है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है ये जो आपका बताएगा, जैसे कि आप अपनी कोई ट्रिप पे हैं और आप अपना जैसे फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, तो ये आपका जो है उस ट्रिप का एवरेज स्पीड बताएगा कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड थी पूरी ट्रिप में 0 to 100 किलोमीटर में, उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो इतनी थी, तो वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। ये जो है आपकी गाड़ी कब से ऑन है, जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी थी। अभी मेरे को जो है 25 मिनट दिखा रहा है क्योंकि मैंने सब रीसेट किया था, और जितना भी लॉकडाउन में मैंने अभी तक गाड़ी को ऑन रखा है, चलाया है आगे पीछे करने पे, ये उतना ही मिनट अभी तक दिखा रहा है कि 25 मिनट तक आपने गाड़ी को चला रखा है। ये आपका टाइम दिखाता है बेसिकली गाड़ी के ऑन रहने का, और ये स्पीड है। अब ये 0 किलोमीटर अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं वो जो है ये उसके लिए। अब मैं अगर रीसेट बटन को कुछ टाइम तक प्रेस रखूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, आपको 0 किलोमीटर स्पीड आपकी जितनी भी होगी गाड़ी की चलते हुए वो आपको नहीं बताएगा। अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं तो एक बार ही दोबारा स्पीड पे जाएं और इस स्पीड को प्रेस करके रखें, रीसेट बटन को, दोबारा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपकी ट्रिप ए है, रीसेट कर सकते हैं जब आप चलेंगे तो ये अपने आप कैलकुलेट करता रहेगा किलोमीटर्स। ट्रिप बी जो है वो एड अप हो जाएगा जब आपकी ट्रिप खत्म होगी, और अगर आपकी ट्रिप अगर नहीं खत्म हुई है तो उसके बाद अगर आप और आगे जाना चाहते हैं या वापस पॉइंट ए तक वापस आना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, ट्रिप ए को रीसेट करिए, ट्रिप बी को रीसेट मत करिए। उसमें क्या होगा कि वापस आते हुए जितना भी आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होगा पॉइंट ए तक वापस या आपके घर तक वापस आने तक
रीसेट करने के बाद ट्रिप ए को, तो ट्रिप बी में एडअप हो जाएगा। ये जो है आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी है, मतलब नेक्स्ट आपका इतनी गाड़ी और चलेगी 195 किलोमीटर। गैस स्टेशन का जो इंडिकेटर दिया हुआ है वो नेक्स्ट 195 किलोमीटर के बाद मुझे अब पेट्रोल भरवाना है। तो ये था सारा MID और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स से रिलेटेड। बीच के बटन मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो है मैं आपको वाइपर कंट्रोल और हेडलाइट कंट्रोल के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो सेकंड वीडियो में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और किसी को नहीं पता तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर अभी तक नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।